नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सूडान में करीब 30 साल तक कट्टर इस्लामिक शासन रहा, लेकिन अचानक उमर अल बशीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा और फिर पिछले साल बड़े आंदोलन के बाद उमर अल बशीर के शासन को जनता ने उखाड़ फेंका। अब वहां की अंतरिम सरकार देश को प्रगतिशील बनाने की राह पर चल पड़ी है। अप्रैल के महीने में महिलाओं के खतने को अपराध करार देने के बाद इसे लेकर कानून बना लिया गया है। इसके साथ ही सरकार दूसरे नए कानून भी लाई है, जिसमें गैर मुस्लिमों को शराब पीने का अधिकार, इस्लाम त्यागने का अधिकार, महिलाओं को बिना पुरुष रिश्तेदारों के सफर करने का अधिकार दिए गए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए देश के कानून मंत्री नसरुद्दीन अब्दुल बरी ने कहा कि ऐसे सभी कानूनों को खत्म किया जा रहा है जिनमें मानवाधिकार उल्लंघन होता है। पिछले साल तख्ता पलट के बाद देश में बनी अंतरिम सरकार ने खतना को अपराध करार देने वाला कानून तैयार कर लिया है। किसी भी मेडिकल संस्था या घरों में भी खतना किए जाने पर 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसे करने वाले डॉक्टर नर्स के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में 10 में से 9 महिलाओं का खतना किया जाता था। हालांकि मुस्लिमों पर इसका प्रतिबंध लगा रहेगा। अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम के साथ शराब पीता पाया गया तो उसे भी सजा होगी। अब्दुल बरी ने कहा कि सरकार देश में रहने वाले 3% गैर मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। उन्हें शराब पीने, आयात करने और बेचने की इजाजत भी होगी। तो देश में शराब पीना तब से बैन है जब 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति जफर नेमेरी इस्लामिक कानून लेकर आए थे। उन्होंने तब नील नदी में विस्की की बोतलें फेंककर इस पर पाबंदी लगाई थी। बशीर ने सत्ता में आने के बाद इस्लामिक कानूनों को जारी रखा था। सूडान में इस्लामिक कानून के तहत इस्लाम को त्यागने पर मौत की सजा भी हो सकती थी। अब्दुल बरी ने कहा कि पहले के कानून की सुरक्षा के लिए खतरा था और इसके अलावा देश में पहले कई अपराधों के लिए सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सूडान आगे बढ़ने के लिए कुछ खतरनाक और पुराने कानूनों को खत्म कर नए कानूनों के साथ आगे बढ़ रहा है और कई रूढ़िवादी चीजों को समाज से हटा रहा है, और ये उन्हीं का नतीजा है। अब देखना ये होगा कि आगे इसका कितना असर होगा।